ये सिर्फ जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में ये खबरें निकल के सामने हैं कि जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं मसाले के, राजस्थान, गुजरात आदि जगहों पर हम देख रहे हैं कि बारिश की संभावना बनी हुई है। वहाँ पे हेल स्टॉर्म भी देखने को मिला है। हेल स्टॉर्म की वजह से भी जो इम्पैक्ट देखने को मिला है क्रॉप्स के ऊपर और मंडियों में जो माल रखा हुआ है उसके ऊपर, ऐसे में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर बात करें धनिया की, तो धनिया का जनवरी वादा 9100 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है और 9300 के ऊपर का हाई लगा चुका है, और जो अप्रैल वादा है धनिया का वो 9800 के ऊपर का हाई लगा चुका है। दीपा जी, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या आगे मसालों में और ज्यादा तेजी बनने वाली है? देखिए बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया था कि मसालों में आप देखेंगे, हमने दिसंबर के लास्ट वीक में, दिसंबर मंथ के लास्ट वीक में भी आपके ही इसी बुलेटिन में डिस्कस किया था कि मसालों में आगे जो 2022 है वो अच्छा रह सकता है। और आप देखिए शुरुआती जनवरी मंथ का जो महीना शुरू हुआ मसालों के लिए काफी अच्छा रहा, सभी मसालों में तेजी देखने को मिल रही है। हल्दी देखिए 10,000 के ऊपर है, अब धनिया भी जो तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि जल्द धनिया भी 10,000 का स्तर छू सकता है। धनिया के साथ साथ आप देखिए जीरा भी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जीरे में भी अगर 17,000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आती है तो 18,000 तक जीरा भी जा सकता है। और हल्दी में ऑलरेडी हम इसके अंदर तेजी आते हुए देख चुके हैं, 10,000 के ऊपर हल्दी कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है, काफी पॉजिटिव है। मसाले अभी एक अच्छी खासी डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है, हल्दी मुझे लगता है यहाँ से 10,800 तक के स्तर छूती हुई दिखाई दे सकती है। जी, अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।